G920 G925 फ्री है, इसके ऊपर एक्टिवेशन लगा हुआ है। U4 की इसके ऊपर बाइनरी है, ठीक है। इसकी बाइनरी जो है वो EFT पर सपोर्टेड है, तो जो है हम लोग इसका बाईपास करेंगे। अच्छा, मेन चीज़ जो इसमें ये है वो आपके पास PC2 का फ्रेमवेयर होना चाहिए। U4 की बाइनरी और PC2 लास्ट में इसके आता हो बाई फ्रेमवेयर का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको सैमसंग पे क्लिक करना है, EFT डोंगल में जाके, EFT में जाके सैमसंग में आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, आपका जो मॉडल है G925V, ठीक है। ये G925V U4 PC2 6.01, यही फ्रेमवेयर सेम इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे फुल रिमूव सैमसंग अकाउंट एंड प्लस FRP, ठीक है। ये क्लिक करके आपने क्या करना है, वन क्लिक कर देना है। अच्छा, ये स्कैन पोर्ट का बोला, पहले हमें यहाँ से स्कैन करना पड़ेगी पोर्ट, यहाँ से स्कैन करेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने इसको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपने जो है इस पर चेक लगा के वन क्लिक कर देना है। वन क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर फाइल चढ़ेगी और इसकी आईडी भी ऑन होगी, फिर ये अपने डिवाइस जो है वो उसको अपने अंदर से इसका रिएक्टिवेशन रिमूव कर देगी। अच्छा, ध्यान रखें कि आपको जो है ये फ्रेमवेयर सिर्फ और सिर्फ PC2 पे ही काम करेगा, और किसी आप वर्जन के ऊपर राइड करेंगे तो ये आपका मोबाइल लोगो पे स्टक हो जाएगा या फिर रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये याद रखें कि PC2 के ऊपर ही है आप जो है ये मेथड ट्राई करें। अरे यार, अच्छा आपका जो है इसके बजाय ये जो है आप मोबाइल को जो है रिकवरी मोड पे लेके जाना है आपने, ठीक है। रिकवरी मोड पे ले आके कोई ऊपर नीचे कोई सेलेक्ट नहीं करना, बस आपने केबल लगा देनी है। केबल आप लगा देंगे तो ये जो है EFT इसके डिवाइड तो ऑन कर लेगी, ठीक है। और ये उसका पार्टीशन डिलीट कर दिया ना, मास अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है। अच्छा, ये रिकवरी पे जो है मोबाइल को आपको ख़ुद लाना पड़ेगा, ठीक है। ये रिकवरी पे आपका मोबाइल ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको ख़ुद लेके आना पड़ेगा रिकवरी पर। जैसे आप इसको रिकवरी पे लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो ADB का ड्राइवर अथराइज करे उठाएगा, और जो है अथराइज करके जो पार्टीशन है इसके सैमसंग अकाउंट के और FRP के वो रिमूव कर देगा। जी, ये हमारे मोबाइल ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसको सेटअप करेंगे। इससे पहले ये स्किप एनीवे का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमारा सैमसंग अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बाईपास्ट हो चुका है। उसके बाद चाहें तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, और चाहें तो नहीं करें, कोई इशू नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अगर आप इसको रीसेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो है जो एरर एप्लीकेशन वगैरह जो एरर दे रही हैं वो जो है वो ओके हो जाएंगी, ठीक है। तो आप उसको सेटिंग में जाके बैकअप एंड रीसेट में जाके फैक्ट्री डेटा रीसेट करते हैं। ये 6.01 है, G925V। अच्छा, बाइनरी आपने फिर भी आप देख लें, G925VVRUU4PC2 PC2, ये PC2 ये चीज़ है, ये लास्ट में PC2 होना चाहिए आपके मोबाइल में, ठीक है। अब जो है आप मोबाइल को मैनुअली रीसेट कर दें, ठीक है। बैकअप एंड रीसेट, फैक्ट्री डाटा रीसेट, यहाँ से रीसेट कर दें, ठीक है। अब हम डाउनलोड मोड पे चेक करते हैं कि हमारा डाउनलोड मोड पे इसको है रिएक्टेशन या नहीं आ रहा है। ये डाउनलोड मोड से भी हमारा रिएक्टिवेशन ऑफ हो गया, ठीक है।